नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले आज शिक्षक दिवस की आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी घर पर थोड़ी देर पहले ही आया हूं और आते ही मैंने आप सभी के मैसेज देखे। आप सभी विद्यार्थियों ने इतने अच्छे से मैसेज किए हैं आज शिक्षक दिवस पर, उसके लिए तहे दिल से हार्दिक शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। देखिए, किसी भी शिक्षक को बेहतर, एक अच्छा शिक्षक हमेशा उसका शिष्य ही बनाता है। हर शिक्षक अपने शिष्यों से कुछ ना कुछ सीखता है। आज इस चैनल पर लगभग 38,500 मेंबर हो चुके हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से कोई YouTube पे चैनल बनाऊंगा और उस पर इस तरह से लगातार वीडियो पोस्ट करूंगा। मैं तो एक बार मार्केट गया था और मार्केट में सेकेंड ग्रेड के, हालांकि जो फिलोसोफी मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है उसमें सब कुछ मैंने कर रखा है, तो फिलोसोफी सब्जेक्ट के मैंने नोट्स देखे थे सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मार्केट में जो कि बिकते हैं, तो वो किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स थे। जब मैंने उस नोट्स को देखा था तो मुझे ये लगा कि इस नोट्स में सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आने योग्य जैसा कुछ भी नहीं है और विद्यार्थी उन नोट्स को लेके जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अपना पैसा समय सब कुछ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे काफ़ी हर्ट हुई कि एक विद्यार्थी अपने इतने सपने, अपने अरमान लेकर के उस चीज़ को पढ़ता है, अपना पैसा समय माँ बाप के सपने सब कुछ लगाता है, लेकिन उसको वहाँ से वैसा नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। बस वहीं से एक शुरुआत थी कि इतने सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी जो हैं, आज लाखों विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं फ़िलोसोफी की कुछ उन चीज़ों को उनके सामने ले जाऊं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से प्रॉपर वे में गाइडेंस मिल सकें। बहुत से विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता था कि सेकंड ग्रेड के अंदर फिलोसफी का रोल भी है या कितना बड़ा रोल है। जैसे बाकी सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण समझते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह हैं, फिलोसफी को समझते थे कुछ एक क्वेश्चन आ जाते होंगे और ऐसे ही हो जाते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया और मेरा सबसे पहला वीडियो दर्शन शास्त्र से ही संबंधित था। शुरू के 3-4 वीडियो हैं वो सिर्फ फिलोसफी के थे। ये तो आपका इतना प्रेम स्नेह लगाव, इतनी गुजारिश हुई कि उसके बाद में मैंने ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे वीडियो ना बनाए हो, चाहे वो शिक्षण विधियाँ हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनते गए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच जो एक जुड़ाव, एक स्नेह, एक विश्वास है, सब उसी के कारण हुआ है। अगर वो चीज़ नहीं होती, अगर आप लोग मुझे इसके लिए प्रेरित नहीं करते कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो मैं कभी नहीं बनाता। मेरा ऐसा कभी इंटरेस्ट या रुचि थी भी नहीं, क्योंकि आप सभी का प्रेम, आप सभी का स्नेह था, इसीलिए लगातार मैं वीडियो पोस्ट करता गया। और हमने देखा भी है कि हमें उसका कितना लाभ भी हुआ है। आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन उन वीडियोस में से आए हैं। जितना बेहतर मैं प्रयास मेरी ओर से कर सकता था, मार्केट से जिन बुक्स की मुझे आवश्यकता नहीं थी, मैंने कभी आपको नहीं बताया, उन बुक्स की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। कभी 2,500, 3,000, 4,000 इतने रूप्स की मैं बुक्स लेके आता रहा। मैं हर सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 राइटर की अच्छी अच्छी बुक्स मैंने शामिल की और उनका जो निचोड़ था वो मैंने आपके सामने रखा। उस समय गर्मी का मौसम था, गर्मी पड़ती थी ज़बरदस्त और आप जानते हैं बिना पंखे या कूलर के काम नहीं चल सकता, लेकिन चूंकि उस समय कूलर या पंखे की आवाज़ नहीं आए और मुझे इनका इतना नॉलेज है नहीं, ये जो आजकल ये कंप्यूटर से वीडियो बनाने के बारे में इतना मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो इससे मुझे कूलर बंद करने पड़ते थे और पसीने से तर बतर रात को नहाते हुए, पसीने से तर बतर कभी 2 बजे कभी 3 बजे मैं वीडियो बनाता गया। क्यों कर पाया मैं ये? सिर्फ और सिर्फ आप सभी के स्नेह, आप सभी के विश्वास के कारण। और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। अब मैंने डिसीजन यही लिया बाद में कि इस चैनल पर हमेशा वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। एक से एक बेहतर जो शिक्षक मैं और भी जो उपलब्ध करवा सकता हूँ, मेरा आगे जो विचार है वो इस चैनल को और ब्रॉड करने का है। और क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार आउटिंग करने का काम रहता है मेरा, मैं एक जगह नहीं टिकता।
तो उस वजह से लगातार वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी समस्या होती है। और भी जो शिक्षक गण हैं उनको मैं शामिल करना चाहता हूँ इसमें, वो भी शामिल किए जाएंगे, जिससे आप सभी को आरपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बेहतर माध्यम मिल सके। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर सकते या कोचिंग करते हैं फिर भी सही मार्गदर्शन की कमी रहती है, दूर दराज गाँव में रहते हैं, तो उन सभी के लिए घर बैठे आज यूट्यूब से बेहतर मंच कोई नहीं है। मुकेश अंबानी जी ने जियो सिम निकाली है, तो शायद हम उस समय के सबसे अच्छे दौर में हैं। ये सिर्फ हमारे सौभाग्य की बात है कि इस समय हमें जियो सिम मिली है, नेट लगभग फ्री रहता है और हम आराम से वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिएगा, इससे बेहतर सीखने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे इतने चैनल हैं कि आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, आपको कोई ना कोई चैनल उस पर ज़रूर मिल जाएगा। जहाँ से हमें सीखने को मिले हमें सीखते रहना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा ये संदेश है आज कि कभी भी जीवन में नकारात्मकता को अपने पास ना आने दें, नेगेटिविटी को हमेशा अपने से दूर रखें। कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करने की, हतोत्साहित करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज इस यूट्यूब चैनल पर भी कुछ लोग कोशिश करते हैं, कई बार कमेंट आते हैं और कई बार बैठते ही मैं वीडियो ओपन करता हूँ ये देखने के लिए कि कैसा लग रहा होगा, इतने में ही 2-3 अनलाइक आ जाते हैं। तो क्या उससे मुझे ये लगना चाहिए मुझे कि नहीं ये देखो ये अनलाइक कर दिया ये? दोस्तों हकीकत तो ये है कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई लाइक कर रहा है, वो चाहे 10 अनलाइक कर रहा है, वो कितने लाइक हैं अनलाइक हैं, मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क मुझे इस चीज़ से पड़ता है कि मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूँ और उससे क्या किसी विद्यार्थी को लाभ हो रहा है क्या? अगर उसको लाभ हो रहा है तो मेरे वीडियो लगातार पोस्ट होंगे, चाहे कोई कुछ भी करें। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी आपको हतोत्साहित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, अपने आसपास आपको डीमोटिवेट करने वाले ही लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको उन सभी से अपने आप को बचाते हुए चलना है। सकारात्मक लोग जो हैं उनके संपर्क में रहना है, उनसे बातें करनी है, अच्छे जो राइटर, अच्छे जो बुक्स हैं, अच्छी जो मोटिवेटेड करने वाली बुक्स हैं। एक बुक से बेहतर आपका साथी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, एक बुक से बेहतर मार्गदर्शक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप ऐसी बुक्स को लगातार पढ़ते रहिए जिनसे आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। और एग्ज़ाम को क्रैक करना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 4-5 महीने भी पूरे तन मन से एक किसी एग्ज़ाम के लिए समर्पित होते हैं तो आप 100% उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते आपको सही मार्गदर्शक मिला हो और आप अपने उस मार्गदर्शक की बातों को फॉलो भी करें। और देखिएगा जो युवावस्था है इस समय व्यक्ति जितनी मेहनत कर सकता है वो पूरी उम्र में नहीं कर सकता। बचपन जो होता है वो इतिहास सुनने के लिए होता है, वृद्धावस्था जो होती है वो इतिहास सुनाने के लिए होता है, लेकिन जवानी जो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो इतिहास बनाने के लिए होती है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, 21 साल से 30 साल के बीच की जो आयु है ये इतिहास बनाने की आयु है। इस उम्र में व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, चाहे सम्राट अशोक महान की बात करें, चाहे सिकंदर की बात करें और चाहे अकबर की बात करें, इन्होंने जिस समय सबसे ज़्यादा जो हासिल किया था वो अपने इसी युवावस्था की दहलीज पर हासिल किया था। युवावस्था आपको चाहे तो नैया को पार लगा दे और चाहे तो नैया को ऐसा डुबाए कि वो कभी उसे उबर नहीं सकता। तो अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना विश्वास इसी प्रकार बनाए रखिएगा। मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, बहुत कुछ करना चाहता भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है समय का अभाव। समय की चूंकि सबसे बड़ी कमी है इस वजह से मैं वीडियो लगातार पोस्ट नहीं कर पाता। और चूंकि अभी आरपीएससी की वैकेंसी सर पे आई भी नहीं है, क्योंकि जिस समय पहले आरपीएससी की वैकेंसी थी उस समय मैंने अपने सारे काम का छोड़ करके 2-2.5 महीने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का काम किया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो सब उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है और अभी वैकेंसी आई भी नहीं है, इसलिए आप जितना स्लो एंड स्टडी जितना मैं मेरी ओर से कर सकता हूँ अभी इस समय भी वो मैं कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एक बार लगा था कि बीच में 3-4 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए मैं वीडियो बिल्कुल ही बंद कर दूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, लेकिन फिर लगा कि बिल्कुल बंद करने की बजाय कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट होते रहना चाहिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से कुछ मैंने मेरी मन की बातें कही, और कभी कभी होनी भी चाहिए बातें, आप सभी मेरे विद्यार्थी हैं। तो इसी प्रकार अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी सफलता को हासिल करें, वो हम साथ साथ मिलकर हासिल करें। आप जब कल को मैसेज करके कहेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो देखिए वो जो मुझे खुशी मिलेगी उस चीज़ की भरपाई कोई और चीज़ नहीं कर सकती। अभी LDC के बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो इतनी खुशी हुई दिल में कि उस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। और मैं यही आप सभी से सुनना चाहता हूँ कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। आपको लाइक नहीं करना, आप लाइक मत करो, अनलाइक करने आप चाहे कितने ही अनलाइक करो, आप चाहे 100 अनलाइक कर दो आप, लेकिन कम से कम ये कमेंट जरूर कीजिए किसी दिन कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। बस मेरी आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाएगी कि वो आप कभी नहीं सो सकते। आप उस चीज़ को एक शिक्षक ही महसूस करता है जब किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है और वो कहता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। जिस दिन आप शिक्षक बनेंगे अभी, उसके बाद में आप इस चीज़ को समझेंगे कि एक टीचर को कितनी खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय भारत।